मार्च महीने से एक तरह से घर में बंद है आप लोगों की दसवीं के एग्जाम हो गई थी कुछ पेपर बाकी थे बाकी के पेपर नहीं हो पाए और फिर आपका रिजल्ट भी आ गया अभी आपने एलेवेंथ में एडमिशन भी ले लिए है नाउ लेट मी टेल यू दैट द सिचुएशन इन विच वी आर लिविंग दैट इज कोविड नाइन्टीन पैंडमिक इट इज अ थिंग विच आज स्टॉट अनी थिंग्स मीन्स इस कोविड नाइन्टीन ने हमें जिस तरह की पास्ट लाइफ में हम जीते थे उससे कुछ अलग लाइफ जीने के लिए मजबूर करके रख दिया एंड इट इज अ लेसन दैट शुड बी रिमेम्बर्ड फॉर द होल ऑफ अवर लाइफ इट इज अ लेसन दैट we have never experienced before we are in a junior college now some of you might be very excited to have this experience to be there in the college themselves as well as here to enjoy the college life also but this is a very turning very important turning point in our life and we have to be very cautious. Though we have entered in junior college, but still we are students, and so our school days are not over yet. So we have to follow the rules and regulations related to our college, as well as we need to remain attached with our course book also. Now, दी अर्लियर स्टडीज दैट वी हैव हैड हियर इज अ चेंज इन देम दसवीं तक के आपका जो कोर्स था उससे यहां पर आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे यहां पर आप जो इंग्लिश पढ़ने वाले है दैट इज अट हायर लैंग्वेज सो वी नीड टू रेज अवर लर्निंग लेवल ऑल्सो आपको यहां पर पढ़ते समय एक तरह से महसूस होगा कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गई है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ने की वजह से यहाँ पे हमें अपनी पढ़ाई को भी कई गुना बढ़ाना होगा दसवीं तक कोई चैप्टर था जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था उसको हम पढ़ते थे लेकिन अभी ऑनलाइन स्टडीज़ आ गई है ऑनलाइन स्टडीज़ आने की वजह से यहाँ पे आपके पास में जो भी वीडियो हमारे तरफ से पास किए जा रहे इन वीडियोस को आपको केयरफुली देखना होगा यहाँ के कंटेंट्स आपको केयरफुली समझने होंगे जिस वजह से आपको स्टडी के लिए ज्यादा सीरियस भी होना होगा सो लेट अस बिगिन दिस इज अवर कोर्स बुक ऑफ इंग्लिश हियर ऑन द वेरी फर्स्ट पेज यू कैन सी सम ऑफ़ द पिक्चर्स आर गिवन हियर द पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अगेन विलियम शेक्सपियर एंड अदर सम राइटर्स आर ऑल्सो देयर दिज राइटर्स दे आर इंक्लूडेड इन अवर स्टडीज और से कुछ आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्टडीज के जैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन एंड a lot of developments have taken place in the field of communication we are able to get connected with the people living at a far distance the same type of revolution has taken place in our studies also the things which were told by our teachers only and which were given there in the textbook only that we used to follow but with the age of communication, we can analyze the contents, we can analyze the things which are told by our teacher, as well as we can again re verify them also. So you can take help of many online media. Here we have the email, Skype, Twitter, Instagram, YouTube, blog, vlog and translations all these things are helpful to us and they are going to help us in our studies also okay let us begin this is the cover page this is the first page english yuvak bharati compulsory english standard 11 maharashtra state bureau of textbook production and curriculum research pune again you can download the diksha app also where you will find the same textbook and again the features related to our studies here if we go there in the textbook you will find some of the features they are there are some guidelines given for the teachers before we teach what things that we need to study then

एक है उसमें प्रोज सेक्शन प्रोज सेक्शन में आपको यहाँ पे जो कंटेंट्स है वो कुछ ऐसे में से है कुछ शॉर्ट स्टोरीज में से है बायोग्राफिकल स्केचेस में से है स्पीचेस में से है और कुछ आर्टिकल्स है जहां के कंटेंट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं एंड ऑल दो पीपल आर नोन टू लिटरेचर वेरी वेल एंड हियर दे आर द ग्रेट फिगर्स इन द लिटरेचर ऑल्सो ओके अगेन

अप्रिसिएशन करना है कंपोजिशन करना है इस टाइप की एक्टिविटीज़ आपको उनके ऊपर दी हुई है फिर है वहाँ पे राइटिंग स्किल्स राइटिंग स्किल्स में आपको यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है और राइटिंग स्किल्स में आपको जो कंटेंट्स है उनको हम देखने वाले ही है बाद में सेक्शन फोर जो आता है वो है ड्रामा यहाँ पे ठीक है कौन सा सेक्शन है ये ड्रामा का सेक्शन तो ड्रामा में आपको यहाँ पे एक एक्साइटिंग जनर उसका एक ग्लिम्स आपको यहां पे दिया हुआ है ग्लिम्स ऑफ द जनर ड्रामा ठीक है तो यहां पे आपको ड्रामा सेक्शन जो दिया हुआ है इस ड्रामा सेक्शन में आपको समझना होगा कि इसके पहले हमें कुछ रैपिड रीडिंग टाइप का कंटेंट रहता था लेकिन उसको इस साल चेंज करके ड्रामा सेक्शन आपको दिया हुआ है ट्वेल्थ में आपको थोड़ा सा और डिफरेंट पार्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे यानी वहाँ पे ट्वेल्थ की आपकी जो कोर्स बुक जो है ट्वेल्थ के कोर्स बुक में आपको वहाँ पे जैसे एलेवंथ में ड्रामा है तो आपको ट्वेल्थ में वहाँ पे कुछ आ, हिस्ट्री ऑफ नावेल है वहाँ पे और कुछ एक्सर्प्स यानी कुछ एक्सट्रैक्ट वहां पे दिए हुए हैं नॉवेल में से ठीक है तो ये पार्ट वहां पे दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ नावेल नावेल नॉवेला वहां पे हम पढ़ने वाले हैं अभी यहां पे ड्रामा दिया हुआ है आपको एलेवंथ में तो ड्रामा जो है एक बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही एक चैलेंजिंग एक पार्ट है लिटरेचर का हमारी लिटरेचर सबसे ज़्यादा डेवलप अगर किसी आ, वर्जन की वजह से हुई होगी तो वो है एक ड्रामा और दूसरी है हमारी पोइट्री और तीसरा फिर आता है वहाँ पे प्रोज यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके बाद में कुछ स्किल डेवलपमेंट की अपेक्षाएं रखी हुई है जैसे लिसनिंग स्किल हो गई स्पीकिंग स्किल हो गई यहाँ पे रीडिंग स्किल हो गई इसके बाद में राइटिंग स्किल की डेवलपमेंट यहाँ पे अपे, अपेक्षा है रखते हैं वो और कुछ स्टडी स्किल्स हैं इसके बाद में आपको लैंग्वेज स्टडी है जैसा आप जानते हैं कि आप यहाँ पे स्टेज टू लेवल पे है यानी दसवीं के बाद में जो दो लेवल से एलेवंथ और ट्वेल्थ उनको प्लस टू स्टेज है तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज स्टडी में जो मेनली जो पार्ट आते हैं पोएट्री में यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए इसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया वकेबलरी ऑफ स्पीचेस हो गए वहाँ पे ठीक है ना स्पीच हो गए इसके बाद में फ्रेजेस प्रोवर्ब्स मैगजीन्स एंड देयर यूजेस एज वेल एज द फंक्शनल ग्रामर ये सभी पार्ट आपको स्टडी करने हैं इस साल अभी कंटेंट्स की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला सेक्शन है प्रोज तो प्रोज में जो पहला पार्ट जो है बीइंग नेबरली तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बींग नेबरली हमें इस साल नहीं पढ़ना है तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों पहला ही चैप्टर है और उसको आप नहीं पढ़ने के लिए बोल रहे तो यहाँ पे इसका रीज़न ये है कि इस साल हमारा सेशन लेट चालू हो रहा है तो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने यहाँ पे कुछ चेंजेस करे हुए हैं हमें करीबन ट्वेंटी फाइव परसेंट सिलेबस को उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है यानी ओमिट किया हुआ है उसको तो ये पार्ट हमें पढ़ने के लिए नहीं रहेगा तो बीइंग नेबरली हमें इस साल नहीं पढ़ना है ठीक है उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है वहाँ पे जो आता है सॉरी uh, इसी में प्रो uh, सेक्शन में सेकंड लेसन है ऑन टू द समिट है तेंजिंग नॉर्गे का उसके बाद में द कॉल ऑफ द सॉइल है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है मिसेस एडिस और टाइगर हिल्स ये सभी लेट्री है वहां पे पोएट्री में वहां पे जो पोएम्स आपको है वो है चेरी ट्री उसके बाद में फिर uh, है देर इज अनदर स्काई ये थर्ड लेसन थर्ड पोएट्री है फोर्थ है अपॉन वेस्टमिनिस्टर बीज और फिफ्थ है वहां पे नोज वर्सेस आइज और लास्ट वाला जो है द प्लानर्स इसको एक्सक्लूड किया गया इसको ओमिट किया गया है यानी आपने अभी समझा होगा कि टू पॉइंट सिक्स द प्लानर्स और फिर साथ ही में यहाँ पे आ, जो पहली जो है हमारी आ, पहला जो हमारा लेसन है द बीइंग नेबरली, इन दो पार्ट्स को यहाँ पे ओमिट किया हुआ है ठीक है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रोज हो गई पोइट्री हो गई फिर राइटिंग स्किल है यहाँ पे तो राइटिंग स्किल में एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज ब्लॉग राइटिंग ई मेल्स इंटरव्यू फिल्म रिव्यू द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग एक एक आपको भी समझा सम्झ, के देता हूं मैं एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज तो आपको पहले इसके पहले भी हुआ है इन टेल्ट आल्सो यू हैव स्टडीड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज अ पर्टिकुलर कोट और अगेन अ वेरी पॉपुलर दैट वुड बी गिवन द पेन इज माइटियर टियर दैन द सोर्ड ये आपने सुना होगा है ना तो ऐसे आपको एक कोड दिया हुआ रहता है और उसको आपको एक्सपैंड करना होता है ये करीबन चार मार्क के लिए क्वेश्चन आता है ये एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ का इसके बाद में ब्लॉग राइटिंग ब्लॉग राइटिंग क्या है बड़े बड़े ग्रेट जो पर्सनालिटीज़ जो होती है एमिनेंट जैसे फिगर्स होते हैं अमिताभ बच्चन जो है वो ब्लॉग लिखते हैं रेगुलरली तो ऐसे ब्लॉग राइटिंग ये एक वर्क है तो किसी टॉपिक के ऊपर आपको एक टॉपिक दिया हुआ रहता है और उसके ऊपर आपको ब्लॉग राइटिंग करना होता है ठीक है तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इस पार्ट को तो ब्लॉग राइटिंग में आपको समझना है कि एक वो एक लैंग्वेज जो होती है जहाँ पे एक शॉर्ट में आपको उस प्लेस के बारे में डिस्क्रिप्शन देना होता है टॉपिक जो है टॉपिक के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन देना होता है शॉर्ट में कैची लैंग्वेज होनी चाहिए अट्रैक्टिव आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए अच्छे लैंग्वेज फीचर्स आपको यूज़ करने हैं एक हेडलाइन रहती है उसकी उसके बाद में और से आप एक वहाँ पे एक सब टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं और बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर वगैरह भी आप जैसे निकाल सकते हैं नहीं निकाले तो कोई फ़र्क नहीं गिरता वो लेकिन यहाँ पे राइटिंग स्किल मेन है यहाँ पे तो ब्लॉग राइटिंग तो ब्लॉग जैसे आप आ, ये आज का एज ऑफ कम्युनिकेशन होने की वजह से इसको एक एक अच्छा खासा इम्पॉर्टेंस इसको पढ़ाई में दिया जाता है इसके बाद में थर्ड पार्ट जो है हमारा एक एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ हो गया ब्लॉग राइटिंग हो गया इसके बाद में आता है ई तो जैसे हम लेटर लिखते हैं लेटर टू द प्रिंसिपल लेटर टू द क्लास टीचर या फिर आपने फिर लेटर में दो टाइप के पैटर्न देखे होंगे एक जैसे एक फैमिली होते हैं और एक ऑफिशियल लेटर जिसको हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं जो ऑफिस वालों को लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर जो हम अपने फैमिली के रिलेटिव्स लोगों को वगैरह लिखते हैं तो ये जो है अभी ये लेटर राइटिंग का तरीका अभी नाउ इट इज़ गोइंग टू बी ओल्ड फैशनड इसलिए अभी आज का दौर जो है वो है ईमेल्स का तो ऑफिस से ईमेल ऑफिस वालों को ईमेल भेजना या फिर ऑफिस टू तो ऑफिस ईमेल भेजना ये अभी नाउ दीज आर द वेरी रूटीन वर्क फॉर द पीपल हु आर डूइंग जॉब इन अ गुड टाइप ऑफ कंपनीज ओके इन अ गुड टाइप ऑफ कंपनी तो ई मेल यहाँ पर ई मेल के कुछ फीचर्स होते हैं ई मेल के फीचर्स वहाँ पर हम सीखेंगे ईमेल कैसा लिखना चाहिए कैसे शॉर्ट में उसको अपनी बातें अपनी आ, कहनी हैं उनको कैसे बताना है आपको ये सभी बातें हम वहाँ पे ई में पढ़ने वाले हैं तो नेक्स्ट थिंग दैट इज़ इंटरव्यू अभी इंटरव्यू क्या है एक कोई पर्सन है अच्छा खासा सोशल वर्कर एंड यू आर गोइंग टू इंटरव्यू दैट पर्सन देयर इज एन इमिनेंट राइटर ओके उस राइटर के आपको ये इंटरव्यू लेनी है ठीक है ना तो ऐसे आपको इंटरव्यू के लिए टॉपिक दिया जाता है और उस इंटरव्यू के उसमें आपको इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेम करने होते हैं तो आपको एक बता दू मैं कि शायद दसवीं में आपको इंटरव्यू के साथ में क्वेश्चन के साथ में आंसर भी लिखने पड़ते थे अभी यहाँ पे इलेवेंथ में आपको इंटरव्यू के साथ में आंसर्स नहीं लिखने सिर्फ क्वेश्चंस फ्रेम करने और वो कितने क्वेश्चंस ये भी फोर मार्क के लिए क्वेश्चन है तो करीबन यहाँ पे एट टू टेन क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने होते हैं ठीक है लेकिन वहाँ पे एक बिगिनिंग होती है इंटरव्यू की और एक इंटरव्यू की प्रॉपर एंड भी होती है दिस थिंग्स आल्सो शुड बी इंक्लूडेड इन एन इंटरव्यू ओके तो सबसे पहले उनको वेलकम करेंगे हम वेलकम फॉर बीइंग विद इन अस एंड अगेन अलाउिंग अस टू टेक यूर इंटरव्यू सो आई हार्टिली कॉन्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू लेटेस्ट बिगिन विथ अवर क्वेश्चन और फिर उसके बाद में क्वेश्चन लिखने हैं वहाँ पे हु वॉट वेन वेयर हाउ इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आप वहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल्म रिव्यू का फिल्म के रिव्यू यानी आपने तो पढ़ा होगा कई न्यूज़पेपर जो आते हैं तो वो तो इसके भरोसे ही चलते हैं पेज थ्री लोगों के ऊपर ही उनका न्यूज़पेपर चलता है ठीक है दैट इज़ द अनदर थिंग बट वाट इज अ फिल्म रिव्यू फिल्म रिव्यू मीन्स हियर Uh, we will be given uh, a question that uh, prepare a film review that you have watched recently and you really felt impressed with the movie तो so, film review में आपको uh, एक critic की तरह सोचना होता है आप एक critic हो ठीक है ना uh, जिसको हम एक analyst कहेंगे या फिर कोई ऐसा कि जो बैलेंस्ड uh, व्यू रखता है अपने ऐसे आपको खुद को एक रिव्यूअर uh, समझना है फिल्म का और उसके बाद में आपकी देखी हुई कोई भी मूवी जैसे आप किसी भी एक शोलो मूवी को या फिर थ्री इडियट करके एक मूवी है इस मूवी का आप वहाँ पे क्या करोगे फिल्म रिव्यू प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के ऊपर ही आपको बेस्ड रह के अपना फिल्म रिव्यू आपको लिखना होता है ठीक है इसके बाद में फिर लास्ट आता है दी आर्ट ऑफ कंपेयरिंग कंपेयरिंग यानी जिसको हम कहेंगे सूत्र संचालन ठीक है तो अभी सूत्र संचालन यानी कैसे कि यहां पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे प्रोग्राम की एंकरिंग करने वाला एक बंदा होता है नाउ दैट अ पर्सन हु एंकर्स दैट इज कार्ड द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग तो ये आर्ट कहा, कहा, कहा गया है इसको आर्ट कहा गया है इसको आर्ट क्यों कहा गया है बिकॉज दैट इज अ स्किल एंड दैट स्किल नीड्स टू बी डेवलप विथ ग्रेट इफर्ट्स आपको बहुत सारी अच्छी खासी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए आपका बैकग्राउंड में नॉलेज होना चाहिए अच्छा खासा उस फील्ड के ऊपर और आपने कई तरह की आपकी स्किल होनी चाहिए और इन सबको मिला के आप एक अच्छी एंकरिंग कर सकते हो किसी प्रोग्राम की तो ये एंकरिंग जो होती है वो एक टैलेंट uh, होता है और जो हर एक के पास में नहीं होता तो उस एंकरिंग के बारे में हम पढ़ेंगे द आर्ट ऑफ कंपेयरिंग इस सेक्शन में इस पार्ट में उसके बाद में आता है सेक्शन फोर तो सेक्शन फोर क्या है इट इज़ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा नो व्हाट इज दिस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा हियर ये एक ड्रामा जनर एक टाइप हमको लिटरेचर का दिया हुआ है लिटरेचर में वेरियस ब्रांचेस आर दियर प्रोज पोएट्री ड्रामा शॉर्ट स्टोरी ठीक है ना बायोग्राफिकल राइटिंग्स ये ऐसे कई टाइप के होते हैं वहाँ पे। तो वन एक्ट प्ले भी है उसमें से तो ये ड्रामा जो जनर जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा व्हाट इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा हिस्ट्री पढ़ेंगे हम इंग्लिश ड्रामा की और इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ड्रामा जनर इंग्लिश लिटरेचर में डेवलप हुआ किस तरह से वहाँ पर कौन कौन राइटर है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और ओल्ड एज का एक ड्रामा कैसे होता था और फिर रिसेंटली उसमें कौन से कौन से चेंजेस आए हैं उसके बाद में ड्रामा के फीचर्स हम वहाँ पे देखेंगे कैरेक्टराइजेशन क्या होता है इसके बाद में फिर वहाँ पे एक प्रोटैगनिस्ट कौन होता है इसके बाद में फिर कैटास्ट्रॉफिक क्या होता है एक ड्रामा में ऐसे कई चीज़ें हैं उसमें ठीक है ना तो इन सभी चीज़ों को हम वहाँ पे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे स्टोरी कैसी है शॉर्ट में उसकी स्टोरी क्या है ठीक है ना तो ये एक एक चीजें जो है आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेंगी तो वी विल रीड अबाउट देम वन आफ्टर अनादर ओके तो ड्रामा के एक डिटेल्स यहाँ पे हमें जाने पड़े जानने के लिए मिलेंगे द फीचर्स ऑफ ड्रामा ऑल दो थिंग्स वी विल लर्न हियर इन द फोर पॉइंट वन पार्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा सेकंड फिर है वहाँ पे एक ड्रामा आपको दिया हुआ है पढ़ाई के लिए द राइजिंग ऑफ द मून लेडी ग्रेगरी का है ये तो राइजिंग ऑफ द मून बहुत ही अच्छा ही है ये जैसे आयरलैंड जो कंट्री है उसमें से ये स्टोरी ली हुई है आयरलैंड में जो है ना उसका जो आ, आ, सीन जो है इट टेक्स प्लेस देयर इन आयरलैंड ओके देन 4.3 पॉइंट थ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रामा एक उसमें है एक थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है आपको ड्रामा में से वो है मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई ये रचना है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम इट इज वेरी पॉपुलर ड्रामा जनर ड्रामा में टाइप्स है वहाँ पे आपको मैं बता दूँ एक होता है ट्रेजेडी एक होता है कॉमेडी एक होता है ट्रेजी कॉमेडी तो uh, ये एक तरह से कॉमेडी uh, सेक्शन में से है ये ट्रेजी कॉमेडी टाइप का भी हम इसको बोल सकते हैं मिक्स फीचर्स है वहाँ पे और उसके बाद में एन एनिमी ऑफ द पीपल ये नेक्स्ट है उसमें बी में एन एनिमी ऑफ द पीपल जिसको लिखा है हेनरिक जॉन इब्सेन जोहान इब्सेन ओके तो हेनरिक जोहान इबसेन के द्वारा लिखा हुआ ये ड्रामा है एन एनिमी ऑफ द पीपल तो ये इतने सारे यहाँ पे कंटेंट्स होते हैं जी जी इस साल हमें पढ़ाई के लिए है ओके एक बार मैं आपको दिखा दूं इन सबको ऑल दीज आर बिफोर यूअर स्क्रीन ओके तो स्टूडेंट्स ये हमारे कंटेंट्स है इसमें से जैसे मैंने आपको बताया था कि आ, ये वाला जो पहला वाला जो है बीइंग नेबरली उसको नहीं पढ़ना है हमें इस साल और साथ में यहाँ पे 2.6 पॉइंट सिक्स द प्लानर्स इनको अभी से आप मार्क करके रख दो इनको हमें इस साल नहीं पढ़ना है ओके इसके बाद में आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं अभी यहाँ पे पहला सेक्शन वन में पहला जो बीइंग नेबरली जो है यहाँ पे हमें इस, इसको नहीं पढ़ना लेकिन मैं आपको कुछ कुछ बातें बता दूं यहाँ यहां कि जब कोई ऐसे लेसन या फिर पोएम हमारी इस साल चालू होगी तो वहां पे आपको सबसे पहले दिए होंगे वहां पे आइस ब्रेकर्स क्या दिए होंगे वहां पे आइस ब्रेकर्स अभी आइस ब्रेकर्स क्या है लास्ट ईयर आपको वार्मिंग अप एक्टिविटीज हुआ करती थी इंग्लिश में इस साल आपको दी हुई है आइस ब्रेकर्स अभी ये वार्मिंग अप एक्टिविटीज क्या करती थी दे यूज टू प्रिपेयर यू फॉर द लर्निंग यानी आगे लेसन में पोएम में जो कुछ भी चीज़ें होने वाली है वाट आर द कंटेंट शुड बी दियर उनके बारे में आपको प्रिपेयर करने का काम ये एक्टिविटीज करती थी इसी तरह से आइस ब्रेकर से भी आपको एक तरह से लेसन को पढ़ने में हेल्प होगी वहां पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज रहेंगी जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होंगी वहां पे लेसन या पोएट्री से उसके बाद में ऐसी भी आपको एक वेब डायग्राम रह सकती है इसको कंप्लीट करना होता है इसको कहते हैं वेब डायग्राम डू यू नो इट इज कॉल्ड वेब डायग्राम अभी ये जो ऐसे वेब डायग्राम वगैरह जो फीचर्स आए हुए ये अभी एक दो साल में आए हुए हैं हमारे लिए तो भी आपके लिए शायद और ज़्यादा पुराने हो सकते हैं तो ये एक्टिविटीज़ इस तरह से की जो देने का मतलब जो होता है दैट इनहसेज द इंटरप्रिटेशन ठीक है इंटरप्रिटेशन ये बढ़ाता है हमारा तो इसलिए दिस इस वेब डायग्राम दे आर वेरी यूजफुल टू लर्न द टॉपिक आल्सो इसके बाद में इस तरह से आइस ब्रेकर्स रहते हैं उसके बाद में राइटर पोएट वगैरह जो होता है उसकी इंट्रोडक्शन रहती है और फिर एक्चुअली वहाँ पे फिर टॉपिक शुरू होते हैं तो टॉपिक जब शुरू होता है ना तो वहाँ पे आपको इस तरह की टैक्स दी हुई रहेगी ठीक है ना ये इस तरह से यहाँ पे ये टैक्स दी हुई रहती है और उसके बाद में ये जो आपको बाजू में यहाँ पे दिख रहा होगा ये ठीक है ये बाजू में दिखता है आपको तो ये पर्टिकुलर पार्ट part जो है यहाँ पर आपको दी हुई होती है एक्टिविटीज़ मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होती है ठीक है ये आप अभी देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मीनिंग दिए हुए रहते द मीनिंग्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स द फ्रेजेस एज वेल एज़ यहाँ पे इतना ही नहीं आपको यहाँ पे और से कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हुई रहती जैसे जो डजेंट वॉन्ट टू बी कैट बिकॉज तो यहाँ पे बाजू में आपको टेक्स्ट दी हुई है और बाजू में ही उसके ऐसे एक्टिविटीज़ दी हुई ये पूरे टेक्स्ट तक चलता है पूरा ठीक है ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसके बाद में उसके बाद में उसके बाजू में कुछ एक्टिविटीज एक्सप्लेन दैट द बॉय इज सफरिंग फॉर सोसाइटी एंड फन ठीक है तो ऐसे एक्टिविटीज आपको बाजू में दी हुई रहेंगी ऑल दो थिंग्स दे आर वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग द टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक इस तरह से एक्टिविटीज यहाँ पे रहेंगी और इसके बाद में ये लेसन ऐसे ही चलते जाएगा लेसन जहाँ पे ख़त्म होता है पोएम जहाँ पे खत्म होती है उसके बाद में फिर लास्ट में आपको वहाँ पे एक्टिविटीज आती है और जिनका नाम है उनका नाम है यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग ठीक है ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं इनको तो ब्रेन स्टॉर्मिंग तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज जो है दे आर द एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द होल टॉपिक यानी लेसन के ऊपर बेस्ड रहती है वो और वहाँ पे आपको उनके से sections 1, 2, ऐसे सेक्शंस मिलेंगे ए वन में वन टू थ्री ऐसे दिए हुए ऐसे एक्टिविटीज कंप्लीट द टेबल ठीक है, answer questions है proverbs, idioms, there, ना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है फ्राइन प्रोवर्ड्स मैगजीम्स एंड आइटियम्स वगैरह यहाँ पे एक्टिविटी ये दी हुई है ऑल दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर दियर ठीक है ना सो दीज आर द थिंग्स विच प्रिपेयर अस एंड दे विल टेक अ गुड टाइप ऑफ टेक्स्ट ऑफ अवर नॉलेज दैट वी हैव लर्नड हियर इन द टेक्स्ट ओके तो इस तरह से एक्टिविटीज आपको बच्चों देखने वाले देखने के लिए मिलने वाली है ठीक है तो पोएम में थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा है वहाँ पे तो वो कैसे कि पोएम में आपको वहाँ पे पोएम में आपको क्या होने वाला है कि पोएम में आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होने वाला है वो है अप्रिसिएशन राइट डाउन द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऐसे एक्टिविटी आपको वहाँ पे आने वाली है तो अप्रिसिएशन जो होता है वहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को आपको लिखना होता है बहुत सालों से आप ऐसे अप्रिसिएशन का क्वेश्चन वगैरह छुड़ाते आ रहे हैं और उसमें कुछ पर्टिकुलर कंटेंट्स होते हैं जब हम पोएम पढ़ेंगे तब उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड टू डेज पार्ट यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन की है हमारे इंग्लिश युवक भारतीय टेक्स्ट की और अगले वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं डायरेक्टली वी विल जंप ऑन टू 1.2 पॉइंट टू ऑन टू द समिट वी रीच द टॉप इस लेसन के ऊपर ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड आई जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ओके गुड बाय हैव अ गुड डे